नमस्कार दोस्तों, राधा मोहन के आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस समय बात की जाए दामिनी कावेरी की, तो इन दोनों ने बहुत ही घटिया खेल खेला है। क्योंकि जहां पर पार्टी हो रही थी, बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था गुनगुन का, वहीं पे ही गुनगुन को किडनैप कराने के लिए बच्चा पार्टी में अब्दू रोजिक को शामिल कर दिया गया है। जी हाँ, क्योंकि वो इस समय एक गिफ्ट देने के तौर पर और यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए आखिरकार गुनगुन को उठाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि कितने भी कोशिश क्यों ना कर ले, कोई आखिरकार कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय तुलसी और राधा के होते हुए कभी भी इस घर में बुरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि गुनगुन का तो कुछ हो ही नहीं पाया है। और भी जल्दी ही ये भी देखने को मिलेगा कि आखिरकार इस घर में दुबका चोरी जो प्लानिंग हो रही थी दामिनी की तरफ से, दामिनी की प्लानिंग पूरी तरीके से फ्लॉप होती हुई नजर आने वाली है। साथ ही आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यहां पर सभी लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति में नजर आ रहे हैं, और कंफ्यूजन की स्थिति भी थोड़ा नहीं बल्कि इस समय बेहद ज़्यादा होती हुई नजर आ रही है। साथ ही आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक नहीं बल्कि इस समय कई और भी ट्विस्ट देखने को मिलते हुए नजर आने वाले हैं, जहाँ पर सभी लोगों का मानना यह है कि जो हो रहा है वो बहुत गलत, क्योंकि दामिनी को सबसे पहले तो इस घर से उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। क्योंकि दामिनी लगातार इस घर में जो कर रही है वो इस घर में राधा और मोहन को जुदा करने के लिए इस समय गुनगुन को हटाएगी सबसे पहले रास्ते से, क्योंकि गुनगुन इन दोनों को एक साथ देखना चाहती है, वहीं तुलसी एक साथ देखना चाहती है, और राधा को तो काफ़ी बार मारने तक की प्लानिंग रच चुकी है। लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि अब जो नई प्लानिंग रचने की कोशिश होगी उसमें एक और नहीं बल्कि कहानी में काफ़ी ट्विस्ट भी देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि सभी लोग बहुत ज़्यादा चिंता में।